हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, नाम तो आप जानते ही हैं, हाउस एक्सप्लोरर्स। हम क्या करते हैं, हम आपके लिए सर्च करते हैं कुछ प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ ताकि आपकी परचेजिंग इजी हो जाए। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक 5 BHK लग्जीरियस इंडिपेंडेंट फ्लोर जो कि साइजेबल हो, अच्छे रूम्स आ रहे हों, अच्छी लोकेलिटी में हो, बात करें दोस्तों तो ये 300 गज में बना हुआ है। हम अभी जहाँ पर हैं ये लोकेशन हो जाती है आपकी कौशाम्बी। कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन से इसकी जो दूरी है ना बहुत कम रहती है, बहुत पास में होने वाला है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आनंद विहार बिल्कुल क्लोज बाय हो जाता है, वैशाली भी आपके नियर अबाउट हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसको चेकआउट कर लेते हैं, क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। कुछ USPs की बात करें तो इसमें लिफ्ट देखने को मिलता है, ये हो जाता है आपका लिफ्ट, वर्किंग कंडीशन में है ये लिफ्ट आ रहा है आपका। स्टेयर्स एक बार आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, स्टेयर्स अच्छे आने वाले हैं, बिग साइज स्टेयर्स आ रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें एंट्री डोर की तो उससे पहले ही कुछ इसमें जो अच्छी चीज़ें वो आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं इसमें ये ना ये डिजिटल लॉक आने वाला है बाय गोदरेज। गोदरेज देख सकते हैं आप। अगर हम बात करें एंट्री डोर की, इसको भी बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया गया है, प्रीमियम लगता है, थिकनेस अच्छी आ रही है, टीक वुड में बना हुआ है। तो दोस्तों चलिए वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं और आपको बातें भी करते रहेंगे आपसे। तो हम हैं इसके लिविंग रूम में, ये देख सकते हैं दोस्तों। रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा बैक चले जाएं, ये देखिए ये हो जाता है इसका फुल लिविंग रूम का साइज़। डाइनिंग आपका यहाँ राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड आपका पूरा लिविंग के लिए एरिया होने वाला है। ये देख सकते हैं हाईलाइट किया गया है दोस्तों वॉल को, बहुत अच्छे से वेल क्राफ्टेड होने वाला है। स्ट्रिप लाइटिंग आ रही है, खूबसूरत लगता है। लेफ्ट और राइट साइड में बात करें दोस्तों, ये देखिए थोड़ा सा वुड पैनलिंग का वर्क है, प्रीमियम लाइट्स लगाए गए हैं दोनों तरफ, अच्छा दिखता है ये। नीचे दोस्तों अगर हम फ्लोरिंग की बात करते हैं तो आपके इसमें इटालियन टाइल्स लगाए गए हैं, डिजिटल इटालियन टाइल्स हैं, प्रीमियम लगते हैं, देख सकते हो। एरिया बहुत अच्छा निकल के आता है दोस्तों इसका, लिविंग रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप आराम से लगा लें 10 सीटर से, अगर बड़ा भी आपके पास सोफ़ा है तो यहाँ आराम से प्लेस कर पाएंगे विद सेंटर टेबल, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। चलिए हम फ्लोरिंग की बात कर लेते हैं, फ्लोरिंग अगर हम चेकआउट करें, सॉरी दोस्तों हॉल सीलिंग की बात कर लेते हैं। फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रीमियम होने वाला है, देख सकते हैं क्या काम किया गया है यार, प्रीमियम लगता है, अच्छा दिखता है। यहाँ बीचों बीच आपको स्मार्ट फैन देखने को मिलेगा बाय ओरिएंट, पूरी की पूरी जो लाइटिंग आ रही है ना इस पर फॉल सीलिंग पे कमाल दिखता है ये। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में बात करो दोस्तों तो ये आ जाता है आपका लग्जरियस टीवी वॉल, बिल्कुल पूरे वॉल को यूटिलाइज किया गया है आपका, बिग साइज आपका LED जो है आराम से आप इसमें प्लेस करें, सामने अपनी फैमिली के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मूवीज़ कुछ ना कुछ बिंज वॉच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर हम यहाँ से एक बार ये चीज़ देखें तो ये देखिए यहाँ पर आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है बाय गोदरेज, आपका वीडियो इंटरकॉम आने वाला है, बिल्कुल कोई भी नीचे है तो आप यहीं से उन्हें एक्सेस दे सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसका लिविंग रूम चेकआउट कर लिया है, अगर हम यहाँ से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पार्टीशन देखने को मिल जाता है, पार्टीशन भी आप चेकआउट कर सकते हो यार, क्या क्वालिटी में बनाया गया है, प्रीमियम लगता है। ये मिरर्स आ रहे हैं इसमें जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा एनहेंस करता है दोस्तों। ये हो जाता है आपका डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया की हम पहले वॉल की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये भी पूरा हाईलाइटेड वॉल होने वाला है, वॉल को कहीं ऐसे छोड़ा ही नहीं गया, अच्छे से बनाया गया है। अगर हम डाइनिंग एरिया की दोस्तों ये बात करें तो यहाँ पर आप आराम से 8 सीटर से बड़ा भी शायद अगर आपके पास, सॉरी 8 चेयर से बड़ा भी कोई डाइनिंग टेबल है तो आप आराम से यहाँ पर प्लेस कर लोगे, इतना बिग साइज़ आने वाला है। देखिए मैं कैमरे से इतनी दूरी पर हूँ और आप ये एरिया चेकआउट करो यार, क्या एरिया मिलने वाला है, प्रीमियम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया हमारा लिविंग और ये हो गया हमारा डाइनिंग। अगर हम बात करें इसकी फेसिंग की तो ये फेस करता है दोस्तों ईस्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल सुबह की धूप आपको अच्छी मिलती रहेगी, मॉर्निंग टी आप अपनी बालकनी से इंजॉय कर सकते हैं। चलें अब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमारे डाइनिंग के बिल्कुल सामने हमें यहाँ किचन देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं एल शेप में किचन आ रहा है, स्पेशियस होने वाला है, पूरे वाइट में वर्क किया गया है, स्लैब देखेंगे तो पूरा वाइट में है, प्रीमियम लगता है। सेक्शंस आ रहे हैं इसमें, ये देख सकते हैं इसमें भी स्ट्रिप लाइटिंग आ जाती है ना तो खूबसूरत लगता है। अगर आप ये देखें नीचे की तरफ देखें, पूरी की पूरी ये स्ट्रिप लाइटिंग आ रही है ना, क्या एलिगेंट लगता है ये। स्पेशियस किचन होने वाला है दोस्तों आपका, इसमें आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जैसे बाय एली का आपको देख सकते हैं हॉब आ रहा है, नीचे आपका कुकटॉप आने वाला है, 4 बर्नर कुकटॉप देखने को मिलेगा, प्री फिटेड है इसी में तो जगह लेगा नहीं ऊपर, और अच्छी चीज़ लगाई गई है।
दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये आपका सेपरेट आपका सिंक एरिया दिया गया है डिश वॉश के लिए, डुअल सिंक आ रहा है इसमें। और इसमें भी अगर हम दोस्तों फिटिंग्स की बात करते हैं ना, तो इसमें देखिए सब जैगुआर की फिटिंग्स आ रही हैं, प्रीमियम फॉसेट्स लगाए गए हैं, क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। अगर हम बात करें दोस्तों जितने भी इसके जो कबर्ड्स बनाए गए हैं, वुड भी सब प्योर फिनिश वर्क है, एलिगेंट लगता है। और अगर हम वुड की बात करते हैं तो ये HDMR क्वालिटी वुड रहने वाला है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी अच्छी चीज़ें लगाई गई हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग सेक्शंस आ रहे हैं हमारे पास, जैसे आप डिश वॉश करते हैं अपनी आप चीज़ों को, यूटेंसिल्स को यहाँ रख सकते हैं, ताकि आराम से यहाँ पे ड्रेन आउट होता रहेगा पानी भी, अगर हल्का फुल्का कुछ रहता है तो। यहाँ पे पूरी स्ट्रिप लाइटिंग का वर्क आ रहा है यहाँ पर, और अलग सेक्शन आ गया है आपका, कुछ चॉपिंग करना है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी मेड अलग से वर्क करती रहेगी, तो यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है हमारा पैंट्री सेक्शन, बिल्कुल देखिए बिग साइज़ पैंट्री आ रही है यार इसके अंदर, अच्छे साइज़ का आ रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट लगाया गया है, HDMR क्वालिटी वुड पे बनाया गया है इसको, स्पेस अच्छा आ रहा है। अपने जो आप डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं आराम से आप यहाँ पे स्टोर और प्लेस कर पाएंगे। दोस्तों अगर अब हम बात करें इसमें जितने भी हमारे ये सेक्शंस आ रहे हैं, देखें ये चेक कर लेते हैं, सब पूरा मॉड्यूलर फिनिश में होने वाला है, ये चेकआउट कर लेते हैं इसको। ये देखें पूरे सेक्शंस इसमें दिए गए हैं, आपकी कुछ भी कटलेरीज हैं कुछ भी हैं आप आराम से यहाँ प्लेस कर सकते हैं, सब सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आने वाला है, ये देख सकते हैं। ईजी टू ओपन रहता है, ईजी टू क्लोज भी हो जाता है, नीचे तक भी इसमें स्ट्रिप लाइटिंग दी गई है जो ये खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाता है। सेक्शंस बहुत ज़्यादा है इसमें दोस्तों, देख सकते हैं कितने ज़्यादा है इसमें आपको कबर्ड देखने को मिल जाते हैं, तो स्टोरेज कैपेसिटी आपकी अच्छी होने वाली है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको चिमनी और माइक्रोवेव और ओवन देखने को मिल जाता है। आज प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि हम वर्ड्स में भी फंबल कर रहे हैं, लेकिन चीज़ देखिए आपको अच्छी देखने को मिलेगी। भाई अलाइका आने वाली है, प्रीमियम लगता है, प्री फिटेड मिलने वाला है इसके। अगर हम सामने की दोस्तों ये वाली बात करते हैं, तो ये आपको देख सकते हैं सर्विंग टेबल देखने को मिल जाएगी, ऊपर भी कुछ लाइट्स लगाए गए हैं, तो इससे ये खूबसूरत लगता है। अपने यहाँ चेयर्स लगाए हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको जल्दी में करना है, बिल्कुल आप यहीं पर सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आपका डाइनिंग टेबल तो यहाँ प्लेस हो ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो ये हो जाता है आपके बिग साइज फ्रिज के लिए आपको जगह देखने को मिल जाती है, ऊपर भी अगर आप ये देखें ना, तो ये हाइड्रोलिक्स कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर अपना फ्रिज प्लेस करें, बिग साइज आपका डबल डोर फ्रिज जो फ्रिज है आ जाएगा। अगर हम चलिए अब रूम्स को चेक करना शुरू करते हैं, इसमें जैसे कि 5 बेडरूम्स आ रहे हैं दोस्तों, और आपको 4 वॉशरूम्स देखने को मिल जाते हैं, चलिए चेकआउट कर लेते हैं। इसके कुछ USPs की बात करें ना दोस्तों, तो जितने भी बेडरूम्स हैं आपके वॉशरूम्स के साथ वेल कनेक्टेड रहने वाले हैं। USPs में तो हमने आपको बता ही दिया है कि मेट्रो कौशाम्बी मेट्रो कितने नियर अबाउट आ जाती है, पार्किंग आने वाली नीचे दोस्तों आपकी स्टिल्ट पार्किंग आ जाएगी, और लिफ्ट तो हमने आपको चेकआउट कराया ही है। तो चलिए दोस्तों बात करें अगर हम इस वाले रूम की, तो ये देखें क्या साइज़ आ रहा है यार, डबल बेड लगा हुआ है आपका, फिर भी आप देखो यार स्पेस देखो, अगर आपको ये वाला स्पेस ना मिले ना अपने बेडरूम में, तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। सैंपल पर्पस के तौर पे लगाया गया है, लेकिन आप चेकआउट कर सकते हो क्या एरिया निकल के आता है। लेफ्ट और राइट साइड में भी आपको जगह देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में तो कुछ ज़्यादा ही जगह आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका ये TV पैनल क्रिएट करके दिया गया है, स्पेशियस आपका देख सकते हैं, बिग साइज़ आपका ये TV पैनल होने वाला है। पीछे भी देखें तो वुड का काम किया गया है, एलिगेंट लगता है ये। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशियस आपको जगह मिलने वाली, काउच भी अगर आप यहाँ कुछ प्लेस करते हैं ना, तो दिक्कत होगी नहीं। इस रूम की खासियत बहुत ज़्यादा है आपको बताते हैं, ये पहले चलिए आपको वॉशरूम चेकआउट करा देते हैं, जो इसके अंदर का अटैच वॉशरूम रहने वाला है। ये देखें ये हो जाता है दोस्तों इसके अंदर का अटैच वॉशरूम, टाइल्स चेकआउट कर सकते हो यार, डिजिटल टाइल्स आने वाले हैं, बिल्कुल एलिगेंट लगते हैं। देख सकते हैं आपका सीलिंग आपका शावर आ रहा है, सीलिंग से हैंग करता है ये। अगर आप यहाँ बात करें जितने भी ये फिटिंग्स लगाए गए हैं दोस्तों, सब बाय जैगुआर होने वाले हैं, एलिगेंट हो जाता है। यहाँ पर आपका बिग साइज मिरर आ रहा है, इसमें भी सेक्शंस बने हुए हैं, कुछ भी अपना जो ब्यूटी प्रोडक्ट है आप यहीं प्लेस कर पाएंगे। बिल्कुल एक्सट्रीम अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड में देखें, तो यहाँ हमारा कमोड आ जाता है, बिल्कुल चेकआउट करें आप। तो दोस्तों ये तो हो जाता है हमारा कमोड सेक्शन, यहाँ पर आपका शावर एरिया आ गया, ये हमारा मिड आपका वॉश सेशन आ गया, विद वैनिटी आने वाला है, मिरर आ ही रहा है।
और क्या रहता है दोस्तों, बिल्कुल घर में लेडीज़ है, मैम है, तो उनको अपनी एक सेपरेट जगह चाहिए जहाँ पर वो तैयार हों। कोई भी फंक्शन है कुछ है, तो रूम्स के अंदर नहीं है, रूम बिल्कुल बाहर ही, ये देख सकते हैं बैक में देखने को मिलेगा। ये हो जाता है दोस्तों आपका ड्रेसिंग एरिया। अपनी यहाँ सेट ही लगाएं, बिग साइज़ आपको मिरर दिया हुआ है, यहाँ आप आराम से तैयार हो सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आपको रनिंग क्लोज़ेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर अपने अपने जो कपड़े हैं आराम से आप प्लेस कर पाएंगे। बिग साइज़ आने वाला है, अगर आप स्टोरेज देखें ना आराम से हो जाएगी। डीप वार्डरोब होने वाला है, ये सारा का सारा एचटीएमआर क्वालिटी वुड है, और ये जो आ रहा है ये सब आपका मेटल होने वाला है। ये देख सकते हैं अभी इसमें जो है, इसमें अभी आपका जो ग्लास है वो लगना बाकी है, इसमें आपका टफन ग्लास आने वाला है, अच्छा दिखेगा। चलिए दोस्तों, और देखिए अगर हम इसके साइज़ की बात करें ना, देखिए अच्छा साइज़ आ रहा है यार। आप यहाँ पे भी खड़े हो तो ऐसा नहीं कि जगह नहीं मिल रही, बिल्कुल प्रॉपर जगह है यहाँ पे आपको जो ड्रेसिंग का है, यहाँ पे भी अच्छी जगह मिलने वाली है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पहला बेडरूम, अब हम दूसरा बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं जो बिल्कुल उसके एडजेसेंट होने वाला है। उससे पहले अगर हम इस एरिया को चेकआउट करें तो देखिए ये हो जाता है दोस्तों आपका बैक बालकनी बोल सकते हैं, बैक यार्ड बोल सकते हैं आप इसको, साइजेबल एरिया होने वाला है। ये आपका वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटी रूम बना सकते हैं इसको, जैसे आपकी मर्ज़ी आप इस जगह को यूज़ कर पाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो देखिए बिल्कुल यहीं से हम एंट्री कर लेते हैं सेकंड रूम में, सेकंड बेडरूम, आइए चेकआउट करें इसको दोस्तों। ये हो जाता है हमारा सेकंड बेडरूम, ये देखिए इसका स्पेस भी अच्छा निकल के आने वाला है, देख सकते हैं दोस्तों। ये आपकी बैक ऑफ द बेड होने वाली है, इसमें कुशनिंग किया गया है, कुशनिंग वर्क है, थोड़ा स्ट्रिप लाइटिंग आ रही है, खूबसूरत लगता है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये दोनों आपको साइड टेबल्स होने वाले हैं, तो आपका बेड ही प्लेस होगा, किंग साइज बेड की जगह है ये आपकी। अगर आप यहाँ पे किंग साइज बेड अपना प्लेस करते हैं तभी भी आप देख सकते हैं दोस्तों बेड हद से हद आपका यहीं तक प्लेस होगा। और ये एरिया देखिए दोस्तों, क्या आपको साइजेबल एरिया मिल जाएगा, वॉकिंग एरिया कितना मिलने वाला है। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में अगर आप ये देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये स्लाइडिंग डोर के साथ में वार्डरोब बनाया गया है, बिग साइज वार्डरोब होने वाला है यार ये। यहाँ भी देखें तो सेक्शंस अच्छे दिए गए हैं, पूरा क्वालिटी ऑफ वुड एचडीएमआर ही होने वाला है, ये देख सकते हैं लेवल ऑफ क्वालिटी जो रखा गया है ना, अच्छा रखा गया है। स्पेशियस बेडरूम आने वाला है आपका, ऊपर देखें तो फॉल सीलिंग है, इसमें काम आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ दोस्तों आपको ये टीवी पैनल देखने को मिल जाता है, टीवी पैनल क्या कहें, ये पूरा टीवी वॉल ही बना के दिया गया है, क्योंकि पूरे वॉल को यूटिलाइज किया है। कुछ अच्छे सेक्शंस आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं, अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखें ना, ब्राउन वाइट और ब्लैक का प्रीमियम लगता है यार। हाँ एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ देखें ना तो ये देख सकते हैं इसमें आपको 3 लेवल डोर्स दिए गए हैं, देख सकते हैं ये देखिए, और ये देखिए। तो आपको अगर जैसे ये है तो आप अपना जैसे वेंटिलेशन के लिए आप सिर्फ इसको बंद करें तो इसमें नेट लगा हुआ है, तो आपके ना मॉस्किटोज आने वाले हैं ना इंसेक्ट्स आने वाले हैं। अगर आपको चाहिए नहीं पूरा क्लोज करना है, गर्मियों के टाइम पे एसी चला रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। अगर आप ये देखें ना तो सारा का सारा टफन ग्लास है, साउंड प्रूफ होने वाला है, बाहर की कोई नॉइज़ इसके अंदर आती नहीं है, तो प्रीमियम चीज़ें लगाई गई हैं। अगर हम दोस्तों अगर हम और बात करें तो ये हो जाता है आपका सेकेंड बेडरूम का अटैच वॉशरूम, देख सकते हो यार आप एरिया, टाइल्स देखो, टाइल्स क्या प्रीमियम लगाए गए, टाइल्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है अच्छा रखा गया है, ब्लैक में, ये थोड़ा सा आपका गोल्ड स्टोन में है, और सेम पैटर्न के टाइल्स से नीचे कंटिन्यू किए गए हैं। फिटिंग्स तो दोस्तों आपकी वही सेम होने वाली है, वह जैक्वार आने वाली है। यहाँ देखें यहाँ पे आपका मिरर आ जाता है, सभी सेक्शंस दिए गए हैं। राइट साइड में दोस्तों हमारा कमोड सेक्शन आएगा, और ये लेफ्ट साइड जो है हमारा शावर एरिया होने वाला है, इसमें अगर आप देखें तो सीलिंग शावर आने वाला है, प्रीमियम क्लास में आ जाता है दोस्तों ये। यहाँ सब से चलाएँ और बिल्कुल आप शावर को एंजॉय करें। चले दोस्तों अब हम आगे बढ़ें और चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं, आइए। हाँ यहाँ पे एक चीज़ रह गई है दोस्तों दिखानी, ये हो जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया, ये देख सकते हैं बिग साइज मिरर आ रहा है, नीचे अपनी सेटी लगा सकते हैं। कुछ यहाँ पे ड्रॉवर्स आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं इनको, ये देख सकते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। आइए सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों हमने क्या क्या चेक कर लिया, बिल्कुल बेडरूम सॉरी हमने दो बेडरूम चेक कर लिए हैं, ड्राइंग कर लिया है, डाइनिंग कर लिया है, किचन कर लिया है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। जैसे कि इसमें दोस्तों 5 बेडरूम्स आ रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा लेफ्ट साइड में लिविंग से, ये लेफ्ट साइड में चले तो ये 3रा बेडरूम हो जाता है। इसका साइज़ कंपेटिवली थोड़ा सा छोटा आने वाला है, जो हमने बेडरूम्स आपको दिखाए ये आपको किड्स रूम के तौर पर भी आप इसे बना सकते हो, नहीं तो गेस्ट रूम हो जाएगा। इसमें भी कुशनिंग का वर्क अच्छा आपको देखने को मिलेगा, बैक ऑफ द बेड में कुशनिंग आ रही है, टीवी पैनल आपको राइट साइड में देखने को मिल जाता है।
और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3-डोर वार्डरोब। देखो चेक कर लेते हैं, इसमें इस पूरा का पूरा पीओ वर्क किया गया है, एलिगेंट लगता है पूरा का पूरा। ऐसी क्वालिटी वुड में बना होना तो उसको तो ये टर्माइट प्रूफ भी रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। दोस्तों इस घर की खासियत क्या है मैं बताऊँ आपको, ये फुली वेंटिलेटेड रहने वाला है। अगर हम पीछे के दो बेडरूम्स भी देखें ना, उसमें भी पूरी फिजिबिलिटी दी गई है कि वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी, क्योंकि पीछे भी आपका शाफ्ट का एरिया जो है ओपन करके मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप ये देखेंगे ना दोस्तों, तो ये पूरे विंडोज़ दिए गए हैं, आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से भी आपको वेंटिलेशन मिलती रहेगी, सफोकेशन कुछ होने वाली है नहीं, वेल वेंटिलेटेड फ्लैट रहने वाला है आपका। साइज़ का डिसेंट है, लेकिन फिर भी आप इस वाले साइज़ पे भी आप किंग साइज़ बेड प्लेस कर पाओगे, नहीं तो नॉर्मल साइज़ लगाएंगे तो आप और काउच वाउच जो है आपकी वो भी आप होल्ड कर पाएंगे, स्पेशियस जगह मिलने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें तो बिल्कुल देखिए, हमारे जो ये बेडरूम है थर्ड बेडरूम, इसके बिल्कुल एडजेसेंट हमें ये कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है, जो कि आपका जो चौथा बेडरूम है, यहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। आइए देख लेते हैं, ये देखें, चलिए इसे मैं बंद करता हूँ ताकि आप इसकी डेप्थ को चेक कर पाएं। ये देखिए दोस्तों कितना डीप आपका वॉशरूम आने वाला है यार, स्पेशियस होने वाला है। एक्सट्रीम राइट साइड ये हमारा शावर एरिया हो जाता है, ये हमारा कमोड सेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ देखिए सेक्शंस बनाए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा देख सकते हैं वैनिटी विद मिरर आने वाला है, अच्छा लगता है, सारे के सारे वही प्रीमियम फिटिंग्स हैं, मिरर दोस्तों जितने भी दिए ना बिग साइज मिरर्स हैं, अच्छे दिखते हैं ये। चलिए दोस्तों अब हम और एक्सेस करें चीज़ों को, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है हमारा चौथा बेडरूम। अगर हम लेफ्ट साइड से ही बात कर ले तो एंट्री से जैसे ही आप इधर आएंगे तो देखिए ये आपको पूरा का पूरा ना एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सट्रीम राइट साइड में दोस्तों ये आपका ड्रेसिंग के लिए जगह दिया गया है, यहाँ ड्रेसिंग कर सकते हैं, बिग साइज मिरर आने वाला है। ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका टीवी पैनल की तरह वर्क करता है, देख सकते हैं नीचे भी इसमें आपको सेक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर अपना टीवी प्लेस करें राइट साइड में आपके, इसके आपको ड्रेसिंग के लिए जगह दिया गया है। इसका रूम का साइज़ भी बहुत अच्छा होने वाला है, किंग साइज़ बेड बड़े आराम से आप प्लेस कर लोगे, कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं, इतना बड़ा साइज़ है यार, चेक कर सकते हो आप। इसमें और क्या क्या चीज़ें रहती हैं अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए ये हो जाता है इसका वार्डरोब, ये देख सकते हैं क्या जगह दिया गया है, जगह को यूटिलाइज अच्छे से किया गया है। ये देखिए तो यहाँ से आपका ये वार्डरोब आ जाता है, एल शेप वार्डरोब आने वाला है, पूरे के पूरे सेक्शंस अच्छे आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। आपका हाइट है जो पूरी की पूरी ऊपर तक जाती है, तो आपकी स्टोरेज जो है अच्छी होने वाली है, ये देख सकते हैं आप, लुक एंड फील चेकआउट करो यार आप इसका। और जो इस पर ये जो इसके हैंडल्स बनाए गए हैं ना, ये रोज़ गोल्ड पैटर्न में है, प्रीमियम लगता है ये तो। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये देखें, ये हो जाएगा बैक ऑफ द बेड, यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा वर्क रहता है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ नीचे कुशनिंग दी गई है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा इस पर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी किंग साइज़ बेड आराम से आप प्लेस कर पाएंगे। लेफ्ट और राइट साइड में हमें यहाँ पे ये देख सकते हैं आप साइड टेबल्स दिए गए हैं, जगह अच्छी होने वाली है। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, हो सकता है थोड़ा एक्सपोज ऑफ आ रहा हो वीडियो, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखिए आपको व्यू विंडो देखने को मिल जाती है, वॉल्स के बदले पूरा का पूरा आपको देख सकते हैं ग्लास आपको वॉल दिया गया है, तो आपकी व्यू विंडो बन जाती है ये आपकी, यहाँ से आप अपना पूरा अच्छे से व्यू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे भी आपकी कुछ ना कुछ कुशनिंग सेट ही आ जाएगी बड़ी वाली, अब यहाँ पे भी अपना कुछ सिटिंग का अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि इतना जगह मिलने वाला है यार आपको, अच्छा लग रहा है। ये स्पेशियस बालकनी आने वाली है, वो भी आपको चेकआउट कराते हैं लास्ट में। ये हमने बेडरूम चेकआउट कर लिया है। हाँ, अगर इसमें अभी हमने ये जो आपको चेकआउट कराया था वॉशरूम, जो कॉमन वॉशरूम जिसे हम बताए थे लिविंग रूम से कर सकते हो, आप उसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि हम आपको बता रहे थे। तो दोस्तों काफ़ी हद तक हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया है। अगर आप अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं इस वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपके जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं दोस्तों, जब आप कहते हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से दिखाते हैं, तो हमारे को और मोटिवेशन बढ़ता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी अगर ऐसी अच्छी प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है तो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहेगी। दोस्तों प्राइसिंग के लिए हमने नंबर डिस्प्ले कर दिया है करंट प्राइस, क्योंकि इसके प्राइस इतनी जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं इस एरिया में। कौशाम्बी की बात करें, वैशाली की बात करें, इंद्रपुरम की करें, हर दूसरे तीसरे दिन दोस्तों प्राइस ऊपर नीचे होता जा रहा है, नीचे तो नहीं होता, बहरहाल ऊपर ही जाता है क्योंकि प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन करेंट प्राइस के लिए नंबर डिस्प्ले कर दिया है, नंबर पर कॉल करें
उसके करंट जो प्राइस है वो जान सकते हैं। इसके जितने भी आपके डायमेंशंस हैं आप ओवर द कॉल ले सकते हैं, आपको हम व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा पाँचवा बेडरूम। ये देख सकते हो यार आप, इसका साइज़ भी अच्छा मिलने वाला है। इसमें भी देख सकते हैं ये बैक ऑफ द बेड में कुशनिंग वर्क देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा वुड वर्क है, एलिगेंट लगता है। लेफ्ट और राइट साइड में अच्छी जगह दी गई है आपको। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ देखिए, पूरा आपके वुड पे ही मिरर्स लगे हुए हैं, एलिगेंट लगता है। साइड टेबल्स देखने को मिलेंगे यहाँ। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे भी हमें स्लाइडिंग डोर में आपको वार्डरोब देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं डी वार्डरोब होने वाले हैं पूरे घर में। जितने भी वार्डरोब्स हैं दोस्तों, एक तो स्पेशियस हैं, डी वार्डरोब्स होने वाले हैं ताकि आपकी स्टोरेज, आपके जो सूट्स और ब्लेजर्स हैं आराम से आप प्लेस कर पाएँ। तो दोस्तों हमने इसका साइज़ तो आपको दिखाई दिया है। अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पर हमें देखिए अलग तरीके का फ़ैन देखने को मिलता है इन कंपैरिजन जो हमने लिविंग रूम में चेकआउट किया है। बेडरूम्स में अलग तरीके के फ़ैन्स आ रहे हैं और लिविंग रूम में अलग तरीके के फ़ैन्स को लगाया गया है। वहाँ हमें ओरिएंट का फ़ैन देखने को मिला था, यहाँ बाय बजाज आने वाला है। ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगर आपकी विश है तो आपको दूसरा फ़ैन लगवाना चाहते हैं तो बिल्कुल फिजिबिलिटी ओपन रहती है, आप चीज़ों को चेंज करा सकते हैं, कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन हैं ओपन रहते हैं। तो दोस्तों ये अगर हम ये चेकआउट करें ना तो यहाँ पर आपको एक टीवी पैनल देखने को मिलता है। ये देखिए अच्छे साइज़ का टीवी पैनल आने वाला है। यहाँ पर अपना टीवी लगाएंगे आप, सामने ही आपका बेड प्लेस है, वॉच कर सकते हैं फैमिली के साथ। चलिए इसका हम चौथा वॉशरूम चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने बालकनी की तरफ बढ़ेंगे। आइए दोस्तों ये देख लेते हैं। आइए ये हो जाता है हमारा चौथा वॉशरूम, स्पेशियस होने वाला है। वॉशरूम के साइज़ बड़े अच्छे दिए गए हैं, कोई भी वॉशरूम आपको छोटा फील नहीं होगा, स्पेशियस वॉशरूम आने वाला है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पे बात करें तो ये वॉशिंग के शावर के लिए आपके लिए जगह हो जाती है, शावर एरिया है। इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं हैंगिंग आपको ये शावर देखने को मिलेगा बाय सीलिंग। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये आपका कमोड सेक्शन हो गया, ऊपर कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। आजकल फैशन में इस तरीके से कुछ ना कुछ जगह बनाई जाती है ताकि ये चीज़ें अच्छी दिखें। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो ये हो जाता है हमारा वॉश बेसिन, देखिए मिरर आ रहा है, कुछ सेक्शंस आ रहे हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए टाइल्स हैं ब्राउन कलर में, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा आपको डार्कर टोन में दिख रहा होगा क्योंकि जो टाइल्स हैं थोड़ा डार्क ब्राउनिश टोन में है, लेकिन अच्छे लगते हैं, एलिगेंट लग रहे हैं। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं वॉशरूम से और आपको दिखाते हैं बाहर का बालकनी। आइए तो दोस्तों ये हो जाता है इसका बालकनी। बालकनी का आप साइज चेकआउट करो यार, क्या साइज मिलने वाला है, इतना बड़ा बालकनी एरिया मिलता है ना। देखो 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 कि आप आराम से यहाँ पे तकरीबन ये लगाएं 15 से 20 चेयर्स लग जाएंगी ना आपकी, तभी भी दिक्कत होगी नहीं आपको। 15 भी शायद ज़्यादा बोल दिया, लेकिन हाँ 12 से 15 चेयर्स तो आपके आराम से होल्ड कर लेगा ये जगह, इतनी जगह है। अगर हम यहाँ बात करें तो हमें देखें ये रेलिंग के साथ में ये आपको ग्लास देखने को मिलेगा, एलिगेंट लगता है। ऊपर भी अगर आप चेकआउट करोगे तो ऊपर भी अच्छा वर्क किया गया है, एलिगेंट लगता है। ये हो जाता है कुछ बाहर का व्यू। एलिवेशन तो दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में चेकआउट करा ही दिया है, प्रीमियम होने वाला है, न्यू कंस्ट्रक्शन है। 300 गज में 5 बेडरूम्स आ जाते हैं, 4 वॉशरूम्स आ जाते हैं। प्राइसिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अभी सही रखी गई है, बहुत ज़्यादा हाईर प्राइस पे नहीं है। एक बार आप कॉल करें तो आप इसकी डिटेलिंग ज़रूर लें। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लैट जो हम आपके लिए लेके आए थे। कमेंट्स में लिख के बताएं कैसा लगा, क्या खासियत लगी है, क्या खामियाँ लगी। विज़िट करना चाह रहे हैं तो नंबर तो हमने डिस्प्ले कर ही दिया है, नंबर पर कॉल करें, अपना विज़िट प्लान आउट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।